दोनों को साथ में देखने मिल जाए हम. ओके अभी साथ में बैठ दो, मैं ऐसे कर लूं. सो क्यूट, सो क्यूट. समीर आई मस्ट टेल यू, आप इतने लकी हो ना कि जोया आपको मिली है. इतनी क्यूट है वो, इतनी क्यूट है, मतलब मतलब मेरा मन नहीं भर रहा है उनको देख देख के. मेरा, मेरी आंखें नहीं हट रही है, इतनी क्यूट लग रही है वो, इतनी क्यूट लग रही है. मतलब आपको कभी तो कभी ऐसे दिमाग में गाना नहीं बजता, कैसे मुझे तुम मिल गई. रोज गाता हूँ जोया के लिए. जोया से मैंने, अच्छा तो जोया से मैंने जितने सवाल पूछे हैं ना समीर, सबका आंसर है समीर, सबका आंसर है जोया का फेवरेट काम, जोया का फेवरेट इंसान, जोया सारा दिन क्या करती है, सब सबका आंसर है समीर. एंड आई वाज लाइक ओके. अच्छा समीर, मैंने जोया से पूछा था कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस दिन शुरू हुआ था, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपकी लव एनिवर्सरी कब है. हाँ जोया ने मुझे बता दिया, आप बताओ मुझे कि आपको याद है डेट. मैंने कॉपी पे लिख लिया. मुझे सच में नहीं याद है कब है, मैंने बोला था. देखना, इट्स 20th of April. हाँ तो अभी ना फोन सामने रख दो ताकि दोनों लोग फ्रेम में आ जाएं एक साथ, आप और जोया, क्योंकि अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को देखना नहीं है. ठीक है, ठीक है. और ऐसे उंगली से इशारा करना है, जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये, अगर आप हो तो आपने अपनी तरफ उंगली करनी है, अगर साथ वाला है तो साथ वाले की तरफ उंगली करनी है. ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं. दोनों में से खराटे कौन मारता है? क्या खराटे? कोई भी नहीं. आर्ग्यू ज्यादा आर्ग्यूमेंट कौन करता है? आर्ग्यूमेंट होने के बाद सॉरी कौन बोलता है पहले? दोनों में से ज्यादा अच्छा डांस कौन करता है? खाना कौन अच्छा बनाता है दोनों में से? बहुत अच्छा नहीं पर ठीक है, इससे तो बेटर. अच्छा, दोनों में से ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? अच्छा, ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता है? ओके, ज्यादा वक्त फोन पे कौन बिताता है? ये फोन बोलने भी चले जाओ कोई. बहुत परेशान. अच्छा, दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? शरारते कौन करता है? नहीं, दोनों दोनों सोच रहे हैं कि क्या 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 बोलें क्या बोलें. ओके, दोनों में से ज्यादा ओवरथिंकिंग कौन करता है? कौन सोचता रहता है कुछ कुछ? लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि आप दोनों को पता नहीं आप आंसर क्या दे रहे हो. अच्छा, बिना ब्रश किए खाना कौन खाता है? ये. ज्यादा देर तक रात को जागता कौन है? वीडियो पॉज हो गया. अच्छा, डेट्स कौन ज्यादा याद रखता है? दोनों में से डेट्स कौन ज्यादा याद रखता है कि आज, अच्छा याद है आज हम इस दिन को मिले थे, आज हमने ये किया था एक साल पहले? ये, अरे डेट्स हम क्या किए, कब मिले, क्या किया. ओके, सो दोनों में से ज्यादा, हे भगवान. ओके, दोनों में से ज्यादा फैशन सेंस किसकी अच्छी है? मेरी. धर्म. दोनों में से ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस कौन है?
ब्रांड को तो चलो आपको इस टेस्ट में फुल मार्क्स मिल गए क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सारे ही आंसर ठीक थे, एक आधा छोड़ के, तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो बाई गॉड। तो समीर, जोया ने तो बहुत हमें छुटपुट में बताया कि कैसे आप लोग मिले थे, आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, एक बार आपकी जुबान से हम सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे आप लोग एक दूसरे की जिंदगी में आए हो, बहुत लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ये मेरी क्रश स्कूल टाइम नहीं, जब मैं इंस्टाग्राम पे आया था तो मेरी क्रश थी, तो उसको मैंने एक मैसेज किया था। अच्छा, एक परी तुझ में मुझको नजर आती, एक तू की नजर का एक सॉन्ग था उसका, मैंने उसने एक साल बाद रिप्लाई किया। बोला ना, मैंने पहले देख लिया था, लेकिन मैंने इसकी प्रोफाइल एक जब खोल के देखी थी ना 2016 में, आप देख लेते ना, आप मैसेज नहीं करते। तो मैंने काफी मतलब बोल्ड शूट किए थे, मतलब बैड बॉय था, बैड बॉय इमेज बनी थी मेरी इंस्टाग्राम पे, बहुत प्ले बॉय टाइप बंदा लड़कियों को, मतलब वो नहीं था, मतलब था कि शॉट में शूट करने का, उसे ना एक बचपन कीड़ा बहुत होता है, तो बस वो था, तो इससे मैं बहुत बैड बॉय लगता था कि बहुत गंदा लड़का है, लड़कियों को सिर्फ यूज करता है, वो टाइप का इसको मैं लड़का लगता था। पता नहीं वैसे ही निकला और वैसे ही होगा तो तो ये बहुत डर रही थी मिलने के लिए, बट बोला मिलते अपन, अपन शूट वूट करते, तो मिले हम लोग। और ये फर्स्ट ऐसा सीन था कि इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो लिटरली मैं इसको ऐसा टच भी नहीं किया हल्का भी, जबकि मैं ऐसा बंदा था कि जो मेरी फ्रेंड्स आती थी मिलने तो गले में ऐसा हाथ रखना, किस करना, ये थोड़ा एक आम था मेरे लिए, फर्स्ट बंदी जिसे मैंने टच तक नहीं किया, एक पता नहीं क्या हो गया, जैसे लगता परी आके बैठ गई मेरे बाजू में। बस और इसकी जो ये हरकत आप देख रहे, जो थोड़ी बच्चों जैसी, ये रियल में मतलब ऐसी है, बहुत लोगों को लगता है फेक बनती, बट ऐसा नहीं है, रियल में ऐसी है। तो ये चीज ना मुझे मेरे दिल को छू गई, रियल में इतनी स्वीट है, बहुत स्वीट है, और नेचर की बहुत अच्छी है, बनती बहुत डाउन टू अर्थ। उसी टाइम पे सोच लिया था इससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, लेकिन इसको मैंने बोला भी था कि हम दोनों रियल रिलेशनशिप में आ जाते, तो उसने ना बोल दी थी, सीधा ना, मुंह पे सीधा बेइज्जती कर दी थी कि नहीं बनना। अच्छा। है पता नहीं इसे क्या हुआ, कुछ मेरी याद आने लग गई, जो मैंने पल बिताए थे वो कुछ काफी अच्छे पल थे, बहुत डिसेंट टाइम उसके टाइम, बहुत सारी बात करते थे, वो बात करती थी ना, वीडियो कॉल पे बात करती थी, इसलिए रिलेशनशिप में आ गए। वो रिलेशनशिप के आने के बाद आज तक में एक झगड़ा नहीं हुआ, हम एकदम फ्रेंडशिप जैसा रहते, एक दूसरे को समझते, मैं इसको बहुत केयर करता, बहुत ज्यादा, ये हमेशा झगड़ा, ये गुस्से में इसलिए रहती कि हमारा झगड़ा क्यों नहीं होता है। हमारा झगड़ा क्यों नहीं होता है, हाँ समीर, आपकी ना वीडियो रुक रही है बीच में, इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है, बीच बीच में ना वीडियो अटक रही है, दरवाजा खुल लेगी। वो होता भी होता है, दरवाजा खोल दो तो नेटवर्क अच्छा आने लग जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, दरवाजे के बीच बाहर रह जाता है नेटवर्क। अभी ठीक हो गया, सच में ठीक हो गया। अच्छा समीर, मेरे को एक बात बताओ, अभी आप लोग लिव इन में हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, सना आपके साथ रहती है, जब आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं इनको सना पता क्यों बोल रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना नाम से ना वो होता है ना शॉर्ट नेम, सना सना सना, मैंने इनको मैसेज किया सना लिख के, और अभी भी मेरे मुंह से सना ही निकल रहा है, क्योंकि मेरी दो तीन दोस्त हैं जिनका नाम है ज्योत्सना, तो हम उनको सना बुलाते हैं, तो वो होता है ना एक तुम्हारे जुबान पे बैठ जाता है वो नाम। ओके, तो जोया के जब आपने घर पे बताया था कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, साथ में रहना चाहते हो, तो कैसा कैसा रिएक्शन था उनका, आपके घर पे कैसा रिएक्शन था? आपको मैं बताता हूँ मेन इसको रीजन क्या है साथ में रखने का,
जो इंदौर में रहती थी ना, तो अकेली रहती थी अपनी बहन के साथ, वहाँ पे मॉडलिंग करती थी और पढ़ती थी। और मुझे जब उसको लोगों को पता चले कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसको लोग तंग करने लगे। अच्छा। तंग करने लगे, तो मुझे डर हो गया था कि इसके साथ कुछ हो ना जाए मेरी वजह से, और ये है एकदम बच्ची। तो बस वो केयर करने के लिए मैंने इसे कहा, अपने डैड मॉम से बात की, ऐसा ऐसा सीन है, तो दोया मेरे लोग के साथ रहेगी, आप टेंशन मत लो, अच्छी लड़की बहुत, क्योंकि मुझे डर है कि इसका कुछ भी हो सकता है, मैं मुंबई में, वो इंदौर में, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना। तो डर बैठ गया था मेरे दिल में कि मुझे इसको केयर करना है, मुझे अच्छे से। तो इसे फिर अपने घर पे रहो, अपने बहनों के साथ रहती है, जैसे लिविंग का कुछ सीन नहीं था, वो बस एक केयर करना था मुझे, इसको प्रॉपर रखना था, खुश रखना, इसको कुछ भी तकलीफ ना हो, तो इसकी वजह से मेरे पास ही रख लिया। अरे वाह, तू वैसे फोन नहीं करना पड़े, रात में देख लो, उन्होंने डेसिफर कर लिया सब कुछ। अच्छा अच्छा, लड़के ये था पीछे है। अच्छा तो समीर, ये तो आपके घर वालों को तो आपने बता दिया, इनके घर वाले कैसे माने, क्योंकि आपको पता है, हाय ऋषि, सो माय फ्रेंड ऋषि इज हियर, तो वो मोनिका के आगे हार्ट्स बना के भेज रहे हैं। ओके तो समीर, जब आपने इनके घर वालों को बोला कि आप लोग साथ में रहना चाहते हो, उनका क्या रिएक्शन था, क्योंकि लड़कियों के पेरेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं कई बार, है ना? उनका रिएक्शन ये था कि गुड लुकिंग बंदा है, फेमस बंदा है, अरे मैंने ये पूछा था, मिलेंगे? तू बोल क्या पूछेगा? अच्छा, हाँ मेरे घर वाले तो खुश ही थे इसको देख, मेरे डैड ना कैसे, इनके बारे में, ये हमारी जो इनके घर वालों के बारे में, नहीं जोया के घर वालों के बारे में, जोया के घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा कि अच्छा ये समीर के साथ रहेंगी? अच्छा फिर ठीक है, बता। तो क्या था, इस घर वालों ने पहले था कि कोई भी एक लड़की को किसी अनजान लड़के के साथ नहीं छोड़ा जाता, पहली बात तो पहले तो सबसे पहले जाने की मैं कौन, ये पूरा बताई मेरे बारे में, तो इनके मॉम डैड से पहले मेरे मॉम डैड से बात करवाया, उनको पता चला घर वाले के, जबकि हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, तो एक हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो मैंने इसे हर चीज बताया कि ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिम नहीं होता है, रिलीजन मैटर नहीं करता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, तो के जैसा मैं इसको अच्छा लगा वैसे घर वालों को भी काफी अच्छा लगा, मैं फेमस है, गुड लुकिंग, और समीर माँ के एक बार ना ओ कह दो प्लीज दोनों, मतलब आपकी स्टोरी से मेरे तो मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा है, नीचे लोग भी यही लिख रहे हैं, ओ सो क्यूट। ओ देखो 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 भाई गॉड, समीर कैसे हैंडल करते हो इतनी क्यूटनेस, मैं हूं, मेरी नजरें ही नहीं हट रही उनसे, इतनी क्यूट लग रही है, बिल्कुल ऐसे कैट की तरह, मेरा मन करे मैं जप्पी डाल लूं उनको आगे। फिर से अभी सारे नीचे कमेंट्स में भी और लिखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, इसकी आंखों में ना इतना सा भी मासूम नहीं देख सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, और उसमें हमेशा जो इसका जो बचपन रहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर इसका बचपन रहे और मैं उसको संभालते रहूं। बस देखो झूठ नहीं बोलती, सबसे मेन झूठ नहीं बोलती, झूठ कभी नहीं बोलती, इसलिए डर लगता है कि मेरे सीक्रेट से खोलना पूछने में। नहीं नहीं मैं मानती हूँ ये चीज, मैंने इनसे पूछा कि आप समीर से कहाँ मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया, पहले वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो झूठ नहीं बोलती, झूठ के चक्कर में मेरे सारे सीक्रेट्स खोल देती है। तो वो मेरे को बता दी पहले, मैं ये ऑनेस्ट, देखो इतने सारे ऑ आ रहे हैं ना नीचे, लिखते रहो यार, इस पे मेरे भी रिएक्शन यही निकल रहे हैं, ओ ऐसे नजर ना लग जाए दोनों को, इतने क्यूट लगते हो आप साथ में। अच्छा आपने इनको पहला बर्थडे गिफ्ट क्या दिया था, लोग जानना चाहते हैं, उनको याद नहीं है, आप बता दो। मैंने सेल फोन दिया था, ये देखो
आप मुझे कमेंट्स पढ़ोगे ना, कमेंट्स पढ़ोगे ना नीचे समीर, सब लोग सिर्फ यही लिख रहे हैं और तो एक एक अच्छा समीर शादी कब कर रहे हो यार, मुझे शादी पे जरूर बुलाना, मुझे आपकी शादी पे आना। शादी मैं 3 साल बाद करूंगा, अभी फिलहाल शादी क्यों नहीं, शादी कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, जो धारावी एरिया है, यहाँ से पहले मैं हट अच्छी जगह पे शिफ्ट होकर खुद का मुझे एक अच्छा एक बैंक बैलेंस अच्छी प्रॉपर्टी बनाना है कि जब शादी करूँ, अब मैं चाहता हूँ कि शादी जब करूँ ना एटलीस्ट 2-3 करोड़ अपने शादी में डालू, पूरी सेलिब्रिटी जैसा पूरी शादी। तो बस 2-3 साल बहुत है मेरे लिए सब करने में, तो तभी मैं शादी करना चाहता हूँ। इसको लाइफ में मतलब इसको वो यादगार है इसकी शादी पर, कि अपने बच्चों को सुना पाए समीर मां फिर से। ओ मेरे लिए बहुत इजी कर दिया आपने, मेरे मुंह से और कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा, इट्स लाइक ओ। अभी देखना कमेंट्स में भी सब यही लिखेंगे, भाई कह दो एक बार, मैं वेट कर रही हूँ, अभी ओ नहीं आया नीचे कमेंट्स में। अच्छा तो आपने समीर अपने फैंस को वादा किया था कि आप अपनी लव स्टोरी की पूरी एक जो जर्नी रही है आपकी, उसके बारे में एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे। आप शायद बोल के भूल गए, फैंस नहीं भूले, पूछ रहे हैं कब आएगी वीडियो, कब आएगी वीडियो। जी जी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो बनाते आज और ये यही नहीं बना, इसकी वजह से लेट हो, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक में फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीक में फर्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और इसको मैं क्यों खराब लगता है, हर एक चीज में पार्ट टू, मैं लव स्टोरी इसलिए नहीं बताना चाहता कि हमारी लव स्टोरी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लड़कों की थिंकिंग आजकल कि लड़कियां मतलब यूज करना स्टड कहलाते, 3-4 लड़की यूज करते तो स्टड कहलाते, तो ऐसा नहीं, लड़की बहुत मासूम होती है, फूल की तरह होती है, उनकी खुशबू उनको कुछ लो मत, मतलब एक लड़की अगर अपने माँ बाप से दूर रहती है तो आपसे ट्रस्ट करती जैसे कि आप उसके डैड हो। तो मैं हमेशा पापा बनने की कोशिश करते हैं, मतलब काम भी रहती है जैसे लोगों की थिंकिंग चेंज हो, कि लोगों को पता चले कि रिलेशनशिप में आते तो क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप आपका कैसे बरकरार रहता है, ये क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों होता है, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, ये सब आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है कि आप कैसे ट्रीट करते हो लड़कियों को, और मेन लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है, ये सब मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी लव स्टोरी बताना चाहता हूँ लोगों को कि इंस्पायर कुछ सीखे, और हिंदू मुस्लिम नहीं होता, प्यार एक मजहब नहीं है। आपने पता है सोसाइटी के नॉर्म्स, आपने क्या कहते हैं जो जो रिलीजन की बंदिशें होती हैं, सब चीजों से बियॉन्ड जाके अपना रिलेशनशिप बनाया है, और यू आर सो ओपन अबाउट इट। क्या कहते हो, आपको पता है कितने लोग शादी नहीं कर पाते सिर्फ कास्ट के चक्कर में, यहाँ पे इंटर रिलीजन है, और लिव इन तो इट्स लाइक लोग वैसे जूता लेके पीछे भागेंगे, अच्छा कराते हैं तुमको लिव इन, तो कैसे सोसाइटी से क्या रिएक्शन है। सोसाइटी से मुझे पहले वैसे कौन क्या बोलेगा, मेरी लाइफ है मैं जीरो, मुझे कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरे पास हर चीज का जवाब है। मुझे पहले तो मेरे डैड मुझे खिलाते हैं, मेरे डैड मुझे पाल रहे हैं, मेरे डैड मुझे बोल रहे हैं, तो तुम्हारा हक नहीं है मुझे बोलने का, अगर तुम मुझे बोलते हो तो मुझे पालो, तो मेरी सारी गलती हो तो माफ करो, जो मैं बोलता हूँ मानो फिर, तो तुम अगर मेरी अच्छाई चीज अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मेरी गलत चीज भी एक्सेप्ट मत करो, और मेरे ख्याल से गलत चीज नहीं है किसी अगर लड़की को तुम केयर कर रहे हो अपने, किसी कुछ भी गलत ना हो उसके साथ, तो मेरे ख्याल से गलत बात नहीं है। और इंटर कास्ट की बात हुई तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, प्यार एक किससे भी हो सकता है इंसान को, प्यार एक मजहब है, एक मजहब का असली मतलब ही प्यार है, जिसमें प्यार नहीं हो मजहब ही नहीं। हाँ, इसके ऊपर अब शायरी आने वाली है, आपको पता नहीं है मैं पोएट्री करती हूँ, और आपने अभी जो बोला ना प्यार एक मजहब है, बहुत अच्छी आपने मुझे लाइन दे दी है, देना देना मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड यूज करूंगा आपकी शायरी। पक्का पक्का मैं आपको टैग करूंगी उसमें। तो समीर जाने से पहले आप एक बार लोगों को कुछ दोनों मिलके बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी वेट करते रहे आज, इतने मैसेजेस आए ना मुझे, और सबको सिर्फ लव स्टोरी का वो था कि हमें लव स्टोरी बता दो अपनी, कब कैसे पहली बार मिले थे, तो
मैं अकेले लाइव होती तो मैं तो बता ही नहीं पाती थी। हाँ ये बहुत कम बोलती है ऐसा मुझे लगा कि हर हर हाँ बहुत कम बात करती है। ये फर्स्ट टाइम लाइव आई है। लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में और बहुत सारे लोग हाँ। और जोया तो मतलब आप देखोगे कमेंट्स में नीचे या मेरे पास जो डीएम्स आए हैं तो पीपल आर लाइक दे आर कॉलिंग हर भाभी, जोया भाभी से पूछना लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, जोया कैसा लगता है आपको, मतलब इंटरनेट पे यू आर लाइक भाभी ऑलरेडी, अभी 3 साल बाद शादी होना है लेकिन ऑलमोस्ट एवरीबडी कॉल्स यू भाभी बिकॉज समीर भाई है सब। ऐसा लगता है पहले से, ऐसा मेरी शादी तो हो चुकी है 2 साल पहले, ऐसे ही फील आता है। ये का कि लोग इसे रिस्पेक्ट देते कि हाँ अभी आजकल के लड़के को कुछ उल्टा ही बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मैंने इसकी एक रिस्पेक्ट बनाया इंस्टाग्राम पे कि आप अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ एक है कि लोग मुझे अच्छा लगता है कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो भाभी मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा बहुत ही है। ये किसी ने सवाल पूछा है कि सरफराज का क्या रिएक्शन था, पता नहीं क्या क्वेश्चन है। अच्छा तो सिमरन छोटा भाई है सरफराज, वही अच्छा का जो बंदा है सरफराज। अच्छा 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 अच्छा, उसका रिएक्शन कुछ नहीं था, उसको पता है कि मैं कभी गलत किस करता ही नहीं हूँ ना, मैं गलत कभी कुछ आने देता अपनी फैमिली पे ना कुछ भी नहीं करता, मुझे पता है क्या सही है क्या, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। तो समीर और जोया एक बार सिमरन आपकी एक फैन है उसको हाय बोल दो, बहुत खुश हो जाएंगे वो। हाय सिमरन। अच्छा समीर जाने से पहले आप दोनों, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और जोया ने हमें बताया कि वो क्या करती है सारा दिन, आप शेयर कर चुके हो तो इतने सारे लोग आपको इतनी मोहब्बत करते, क्या उनके लिए कोई मैसेज है कुछ है तो प्लीज। मैं बोलना चाहूंगा गाइस आप लोग इसमें बहुत प्यार करो, बहुत, क्योंकि एक नॉर्मल सा लाइक समीर एक नॉर्मल था छोटी जगह, आप लोगों ने उसको यहाँ से उठा के, आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि सोया कौन है, मैं बता पा रही हूँ पता है, पूछ रहे क्या दिया बता। अच्छा ये एक अच्छी चीज है समीर, यू हैव गॉट 30 seconds और आपको बताना है 30 seconds में जोया कौन है। मैं बताना चाहूंगा जोया एक प्रोफेशनल मॉडल है, ये मिस इंडिया के लिए भी सेलेक्ट हुई थी, बट ये झूठ बोल रहा है। तू तो बताई थी नहीं बता अपन दो लाइव है इसके हमने लाइव देख इसके अंदर कुछ चीजें हैं। तो जोया एक ये कौन सा मैकेनिकल इंजीनियर, कौन सी सिविल इंजीनियर है जोया, काफी पढ़ी लिखी है जोया, बहुत पढ़ी लिखी है और जोया काफी टैलेंटेड है, बट बहुत बच्ची है, काफी बच्ची है, बहुत बचपन है इसमें, इसको कुछ जोर से बोलती ना जरा जोर से बोल दिया कभी तो रोने लग जाती है, तुमने जोर से कैसे बोला मुझे, कभी इसका फेस देखना गुस्से में ऐसा लग रहा है ऐसा लगता है तो ऐसा हो जाता है। आप पे कोई गुस्सा कर भी कैसे सकता है, मतलब समीर नहीं दुआ पे गुस्सा नहीं करता, मेरा गुस्सा किसी और पे रहता है, ये सामने आ जाती है तो मेरा फेस देखती है गुस्से वाला। अच्छा उसी से डर जाती होंगी I'm sure, she's so cute। अच्छा तो समीर जाने से पहले आप दोनों प्लीज कोई मैसेज है फैंस के लिए तो प्लीज। मेरे फैंस को बोलना चाहूंगा गाइस आप लोग मेरे फैंस हैं, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छी चीज बताते रहता हूँ कि आप लोगों को मैं फैमिली मानता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जो इंडिया के लोग हैं सब अच्छे बने, थिंकिंग उनकी बहुत हाई हो, वो अपना को ग्रूम करे बेस्ट बने हो, और मेरा बोलते हैं ना आप लोगों ने मुझे बनाया, अगर आप लोग नहीं रहते तो मैं एक इंसान होता, एक नॉर्मल इंसान होता, कहीं जॉब करता होता 10-15 हजार। तो मेरी लाइफ में चाहूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगा आप लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और मैं बोलना चाहूंगा मेरे जैसा एक आम इंसान आगे बढ़ सकता है तो आप लोग भी बढ़ सकते हो अपनी हाई थिंकिंग से और अच्छी सोच से, जाने से पहले रितिका को हाय बोल दो, रितिका ने बहुत बार नीचे लिखा है कि मुझे मेरा नाम ले दो एक बार। हाय रितिका। हाय रितिका।
ओके थैंक यू समीर, थैंक यू जोया, आप साथ में बहुत क्यूट लगते हो. और समीर आप जो भी बातें करते हो अपने अपने लाइफ पे भी, जोया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, तो आप दोनों को साथ में देख के मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया बाई गॉड. तो भगवान करे आप बस जल्दी से अब शादी कर लो जब भी आपका प्लान बने, और सबको इनवाइट करना. ये सब लोग नीचे लिख रहे हैं जब शादी करोगे हमें बुला लेना. ओके बाय बाय, टेक केयर. ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय गाइस.